सुग्रीव जी भगवान का कार्य भुला गए, राइट। संसार में आकर हम आप सबको भगवान का काम भुला जाता है। ये कथाएं क्या करती हैं? भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर भी चलना है, कथाएं ये बताती हैं। कई लोग इसी से बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। समाज में बड़ा उत्पात है। अब तो बंबई को आप दोष नहीं लगा सकते, बंबई सब उत्पात फैलाता है। आप जितने लोग बैठे हैं, मैं इस कैमरे के ऊपर से बाहर देखता हूँ, वो जो बोर्ड लगा है उसी को देखता हूँ। आगे यदि देखूँ तो ऐसा कोई नहीं है जो मोबाइल के स्क्रीन पर नहीं है। वो वीआईपी गैलरी हो, टीआईपी गैलरी हो, वो देखिए पीछे, वो जो वीडियो वाला बच्चा है वो भी अपना चेक कर रहा है, घर से पत्नी का मैसेज आया होगा, पढ़ रहा है। हर आदमी लगा है, जुटा है एकदम। कमवा है तब तो ठीक है, नहीं कमवा है तब वो अझुराए पड़े हैं। आप देखते होंगे आजकल एक बड़ी सूक्ष्म बात, किसी से कुछ कहिए ना, ए बच्चा, ए भैया, मुन्ना, ए हाँ बोलो। अरे भाई, हमने बड़े प्यार से तीन बार बुलाया, इतना क्यों झुल्लाते हो? क्योंकि उसका मन आपके साथ नहीं है, फोन में लगा है। तो मन जब कहीं रहेगा, किसी को बुला लीजिए, घर में बुला लीजिए। हाँ, अरे सुनते हैं, हाँ बरिए। अरे भाई सुन लीजिए, थोड़ा सुनते हैं। हाँ बोलो, क्या बोलो, यहां तो रहो पहले। हम कहाँ हैं, हमको मेरी ही खबर नहीं। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। ये बात मैंने सुग्रीव पर कही, सुग्रीव भगवान का स्वागत किए। परवर्षन पर्वत पर देवताओं ने पहले से ही भगवान के विश्राम आदि की व्यवस्था बना रखी है। देवन प्रथम ही गिरी गुहा क्या है, राखे से रुचिर बना, रुचिर बनाए। भगवान ने नहीं बनाया, सुग्रीव ने नहीं बनाया, क्यों? कृपा निधान परमात्मा कुछ दिन आकर यहां वास करेंगे, देवताओं को पहले से ज्ञात है। थोड़ा बैठिए हो, थोड़ा रस में रहिए। रस में रहिए, थोड़ा खाली रहिए, थोड़ा आनंद लीजिए। जीवन को, मनुष्य जीवन को जिया जाए, थोड़ा तो जिया जाए, तो लगा ही रहेगा। परवर्षन पर्वत पर परमात्मा भैया जी के संग में वास कर रहे हैं। चार माह बीता, सुग्रीव खबर लेने नहीं आए। भगवान ने लक्ष्मण जी को आवेश देकर भेजा, जाइए प्रेम से लेके आइए। लक्ष्मण जी बोले, आवेश सहित प्रेम से कैसे लाएंगे? अरे परमात्मा ने कहा कि प्रेम से नहीं लाओगे तो पता कौन लगाएगा। जेहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई आवेश। ये आवेश व्याधि है, असाध व्याधि है। कई बार बहुत आवेश भी आवे तो उसको दबा के रखना चाहिए और उसको निकाल ही देना चाहिए।
बहुत आवेश कल्याण नहीं करता है, ये नुकसान करता है। आवेश केवल दो का कल्याणकारी है, एक मां का और एक शिक्षक का। बस शिक्षक और मां का आवेश कल्याण करता है। मां आवेश में आएगी और टाइट भी करेगी तो कल्याण के लिए, सदगुरु शिक्षक टाइट करेंगे, डांटेंगे डपटेंगे शिष्य के कल्याण के लिए, उसमें स्वार्थ नहीं है। ये दोनों स्वार्थ से परे तत्व हैं महापुरुष। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।